युग्मित समाधान या समाधि कहाँ प्राप्त हुई है? लोथल में। अब यहाँ आप अंदाजा लगाइए, युग्मित समाधि है तो हो सकता है उस समय सती प्रथा रही हो। तो अगर प्रश्न घुमा के पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि सती प्रथा के साक्ष किस सैंधवकालीन नगर से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ उत्तर होगा लोथल में। मम्मी मॉडल जो मिस्र में मम्मी चलती हैं, जो मम्मी होती है मिस्र की, उसका एक मॉडल मिलता है। तो अंदाजा ये लगा सकते हैं कि व्यापार होता था, क्योंकि मिस्र भी लगभग समकालीन सभ्यता थी। जब व्यापार होता होगा, यहाँ से लोग वहाँ जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि यार ये मम्मी बनाई जाती है, जो इनके मर जाता है उसको ऐसे संरक्षित किया जाता है। तो हो सकता है मम्मी बनाने का एक प्रयास किया गया हो, तो एक मम्मी का मॉडल मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछ सकता है मम्मी मॉडल किस नगर से मिलता है। एक मम्मी मॉडल हमें कहाँ से मिलता है? लोथल में, पूर्वी टीले से, या लोथल से याद रखें, अपन टीले वाइज नहीं पूछता है प्रश्न, लोथल से मिलता है। एक दो मुँह के राक्षस की मोहर यहाँ पर मिलती है, एक राक्षस हो जिसके दो मुँह हैं, ऐसा हमें एक मोहर मिलती है। जो मोहर कहाँ की है? फारस की, मतलब ऐसी मोहर फारस में, पर्शिया में, ईरान के क्षेत्र में हुआ करती थी। तो दो मुँह की फारस हमें मिलती है लोथल से। इससे हमें ये समझ में आता है कि फारस से या पर्शिया से भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापार रहे होंगे, तभी करेंसी का आदान प्रदान होता है, तभी वहाँ की मोहर यहाँ आई होगी। तो दो मुँह के राक्षस की मोहर हमें कहाँ से मिलती है? लोथल से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या था? पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था। लोथल में हमने देखा दोनों टीले दुर्गीकृत हैं, चन्हुदड़ो में कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रखना है आपको दिमाग में, आगे एक दो फैक्ट और ऐसे आएंगे कंफ्यूज करने वाले। तो चन्हुदड़ो में पहली विशेषता ये हो गई कि इस नगर में एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, तो अगर प्रश्न बनता है कि सौंदर्य प्रसादन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चन्हुदड़ो से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक ईंट मिलती है, चन्हुदड़ो में एक ईंट मिलती है, जिसमें उस ईंट में पैरों के निशान है कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान है। हमें कहाँ से मिलते हैं? चन्हुदड़ो से। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और पिछली कुछ क्लासेस में हमने इसके बारे में कई सारी चीज़ें जानी हैं। और अगर पिछले वीडियो का बात करें तो हम इसमें पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएँ। तो हमने दो नगर पढ़ लिए थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज हम पढ़ेंगे लोथल और चन्हुदड़ो। मैंने आपको पहले बताया था कि सात नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, सात ऐसे स्थान हैं जिनको नगरों की संख्या दी गई है, वो सातों बता दिए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे स्थान हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लोथल और चन्हुदड़ो, दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। लोथल भारत में है, गुजरात में, खंबात की खाड़ी में, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में है। इसको पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले इसकी स्थिति देख लेंगे, इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे, और उसके बाद नगर में चलेंगे कि नगर में कैसी क्या व्यवस्था है, टीले वगैरह है वो देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लोथल से। तो आइए देखते हैं लोथल। लोथल की सबसे पहले स्थिति देख लेते हैं। देखिए लोथल, मैंने मतलब गुजरात में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, तो कच्छ की खाड़ी से हमें कुछ स्थान मिलते हैं, जैसे धोलावीरा, सुरकोतड़ा, देशलपुर, और जो नीचे खंबात की खाड़ी है वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं लोथल, रंगपुर, भक्तराम, कुंतासी, बहुत सारी जगह हैं। तो वहीं से लोथल हम देखते हैं, लोथल की स्थिति देखते हैं। तो गुजरात में अहमदाबाद जिला भोगवा नदी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो नदी है लोथल में ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछी गई है कि किस नदी किनारे लोथल स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने, सॉरी रंगनाथ राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। किसकी? लोथल की। गुजरात में अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे है। कुछ फैक्ट और हैं इसके बारे में, जैसे लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है, मुर्दों का नगर। ठीक है, यहाँ एक चीज़ क्लियर रखना, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला मोहनजोदड़ो था, पहले पढ़ चुके हैं। मुर्दों का नगर कहा जाता है लोथल को, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है, 20 समाधियाँ मिली हैं, और जो जिसमें से तीन युग्मित समाधियाँ हैं, जिसको अभी अपन आगे जब नगर में देखेंगे तब देखेंगे कहाँ मिला हुआ है। तो एक ये फैक्ट आपको याद रखना है। प्रश्न आता है कि मुर्दों का नगर किस सैंधवकालीन नगर को कहा जाता था, स्थान को कहा जाता था, तो लोथल है वहाँ, मोहनजोदड़ो
नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ ना रहे तो बेहतर है। इसके अलावा लोथल को लघु हड़प्पा ऑब्लिक मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोथल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, क्योंकि उस समय के जो सबसे ज्यादा विकसित नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो माने जाते थे। उसके अलावा जो तीसरा अगर क्रम में रख दें, जो तीसरी जगह थी तो वो लोथल थी। यहाँ भी नगर नियोजन बढ़िया था, और इसके अलावा जो गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड मिलता है वो भी अपने आप में एक उत्कृष्ट चीज़ थी उस समय की, आगे देखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट हैं, स्थिति आप ध्यान रखिएगा कहाँ है, खोज ध्यान रखें रंगनाथ राव 1954, मुर्दों का नगर कहा जाता है, और लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी लोथल को कहा जाता है। अब देखते हैं आगे नगर में, नगर में चलते हैं, लोथल की नगर की स्थिति कैसी है। पढ़ने का तरीका वही है, दो टीले होते हैं, दो टीले बना लेते हैं, ये हमारा पश्चिमी टीला है और ये पूर्वी टीला है, इसको लिख देते हैं पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसमें हमने क्या देखा था कि जो पश्चिमी टीला है वो दुर्गीकृत था या रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। अब यहाँ पर लोथल में क्या है कि दोनों टीले रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न ऐसा आ सकता है सीधे सीधे कि कौन सा सैंधवकालीन नगर, किस सैंधवकालीन नगर के दोनों टीले रक्षा प्राचीर से या परकोटे से या दुर्गीकृत थे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, लोथल के, ठीक है। हम आगे देखेंगे तो हमें अभी चन्हुदड़ो देखेंगे तो उसका एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आगे जाके देखेंगे कालीबंगा में तो उसके दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे मिलेंगे, इनको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ लोथल में देखते हैं तो पश्चिमी टीला पूर्वी टीला है जैसे अन्य नगरों में है, और लोथल में दोनों टीले रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अब यहाँ चलते हैं, देखिए पूर्वी टीले से हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। तो पूर्वी टीले में इस जगह पर 20 समाधि प्राप्त हुई है, मतलब इसके थोड़े उत्तर की दिशा में टीले में 20 समाधियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 युग्मित समाधि हैं। युग्मित मतलब युग्म में है, जोड़े में है, स्त्री और पुरुष की युग्मित जोड़ी है। प्रश्न आता है कि युग्मित जोड़ी कहाँ प्राप्त, युग्मित समाधान या समाधि कहाँ प्राप्त हुई है, लोथल में। अब यहाँ आप अंदाजा लगाइए युग्मित समाधि है तो हो सकता है उस समय सती प्रथा रही हो, पुरुष के ना रहने पर स्त्री को भी उसके साथ में दफन कर दिया हो, समाधि ले ली हो, जो भी हो। तो अगर प्रश्न घुमा के पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि सती प्रथा के साक्ष्य किस सैंधवकालीन नगर से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ उत्तर होगा लोथल में। तो यहाँ आपको याद रखना है कि 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं जिसमें से 3 जो हैं युग्मित समाधि हैं। इसके अलावा पूर्वी टीले से धान और बाजरा, ठीक है, लोथल के पूर्वी टीले से धान और बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न बनता है किस नगर से धान बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं, तो लोथल से। लोथल से ही हमें अग्निकुंड भी मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य, लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ये अग्निकुंड कैसे हैं, वृत्ताकार अग्निकुंड है, ये गोल संरचना में अग्निकुंड मिलते हैं। हम देखेंगे कालीबंगा में भी हमें अग्निकुंड मिले हैं लेकिन वो आयताकार मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अग्निकुंड कहाँ से मिलते हैं, हमें लोथल से मिलते हैं। इसके अलावा देखते हैं हमें लोथल से एक मम्मी मॉडल मिलता है, मम्मी मॉडल जो मिस्र में मम्मीज चलती हैं, जो मम्मी होती है मिस्र की, उसका एक मॉडल मिलता है। तो अंदाजा ये लगा सकते हैं कि व्यापार होता था क्योंकि मिस्र भी लगभग समकालीन सभ्यता थी, जब व्यापार होता होगा यहाँ से लोग वहाँ जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि यार ये मम्मी बनाई जाती है, जो इनके मर जाता है उसको ऐसे संरक्षित किया जाता है। तो हो सकता है मम्मी बनाने का एक प्रयास किया गया हो, तो एक मम्मी का मॉडल मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछ सकता है मम्मी मॉडल किस नगर से मिलता है। एक मम्मी मॉडल हमें कहाँ से मिलता है, लोथल में पूर्वी टीले से, या लोथल से, लोथल से याद रखें, अपन टीले वाइज नहीं पूछता है प्रश्न, लोथल से मिलता है। लोथल से हमें फिर उसके बाद में एक मोहर मिलती है जिसमें गोरिल्ला और बारहसिंगा, गोरिल्ला और बारहसिंगा बने हुए हैं, एक मोहर मिलती है हमें लोथल से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो लोथल से हमें एक और मोहर मिलती है जिसमें 2 मुंह का राक्षस है,
एक दो मुंह के राक्षस की मोहर यहां पर मिलती है, एक राक्षस हो जिसके दो मुंह हैं, ऐसा हमें एक मोहर मिलती है। जो मोहर कहाँ की है? फारस की, मतलब ऐसी मोहर फारस में, पर्शिया में, ईरान के क्षेत्र में हुआ करती थी। तो दो मुंह की फारस हमें मिलती है लोथल से। इससे हमें ये समझ में आता है कि फारस से या पर्शिया से भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापार रहे होंगे, तभी करेंसी का आदान प्रदान होता है, तभी वहाँ की मोहर यहाँ आई होगी। तो दो मुंह के राक्षस की मोहर हमें कहाँ से मिलती है? लोथल से। इसके अलावा देखते हैं तो हमें लोथल से ही रंगाई कुंड मिलते हैं। रंगाई कुंड जो वस्त्र वगैरह में कलर करने के लिए जो रंग जहाँ पे बनाए जाते थे, तो रंगाई कुंड हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा लोथल से ही आटा पीसने की चक्की मिलती है, आटा पीसने की चक्की। लोथल से ही हमें एक कारखाना मिलता है मनके बनाने का, मनके का कारखाना, जो आभूषण वगैरह में इस्तेमाल होता होगा उस टाइम पे मनका, तो मनके का कारखाना हमें लोथल से प्राप्त होता है। सारी चीज़ें हो गई। आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि यार इतनी सारी ये वन लाइनर हो गए, सब याद करने पड़ेंगे। याद करने ही पड़ेंगे, आप इनको कॉपी में नोट्स बना कर लिख लीजिए और बारी बारी से दो चार बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा लोथल में कहाँ क्या क्या मिला है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ एक पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना। मतलब स्केल, जैसे अपनी जो स्केल होती है आज के युग में, तो वैसे ही हाथी दांत का यूज़ करते थे। उसको उनने स्केल बना रखा था, एक पैमाना बना रखा था किसी भी चीज़ को नापने के लिए। तो हाथी दांत से बना पैमाना कहाँ से मिलता है हमें? लोथल से। ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में ये वाला फैक्ट भी, ठीक है। हाथी दांत से बना पैमाना हमें कहाँ मिलता है? लोथल से। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें लोथल में मिलती है वो है गोदी वाला, या फिर जिसको कह सकते हैं बंदरगाह या डॉक यार्ड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोथल में से यही पूछा जाता है कि गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष किस नगर से मिलते हैं, ठीक है। और भी बंदरगाही नगर हैं, अभी हम देखेंगे पाकिस्तान में जब अन्य क्षेत्र पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो था वो लोथल था, जो कि लगभग 223 35 / 38, मतलब 223 मीटर, ये मीटर में 223 मीटर उसकी लंबाई थी, 35 मीटर चौड़ाई थी और 38 मीटर उसकी गहराई थी। इतना बड़ा एक बंदरगाह हमें लोथल से मिलता है। मतलब उस समय व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ होता होगा लोथल, जहाँ से व्यापार हम करते थे अन्य देशों के साथ में, ठीक है। तो एक बार फिर से चलते हैं लोथल को देख लेते हैं जल्दी से। तो लोथल की स्थिति और कुछ फैक्ट थे, मुर्दों का नगर कहा जाता है और लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम नगर में आते हैं, तो नगर में क्या देखा हमने कि इसके जो दोनों टीले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, दोनों दुर्गीकृत हैं। इससे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या देखा था कि पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था, इसके दोनों टीले दुर्गीकृत हैं, रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। हम यहाँ देखते हैं हमें 20 समाधि मिलती हैं जिसमें से 3 युगमेद हैं। इससे हम अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद सती प्रथा का चलन रहा होगा। इसके बाद में हमें दान बाजरा के साक्ष मिलते हैं, वृत्ताकार अग्निकुंड मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं ममी का एक मॉडल मिलता है जिससे मिस्र के साथ संबंध होने के साक्ष मिलते हैं। एक मोहर मिलती है जिसमें गोरिल्ला और बारहसिंगा बने हुए हैं। इसके अलावा एक मोहर मिलती है जिसमें दो मुंह का राक्षस है, जो फारसी मोहर है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि फारस के साथ भी व्यापारिक संबंध होते होंगे। हाथी दांत का बना एक स्केल, एक पैमाना प्राप्त हुआ है, रंगाई कुंड प्राप्त हुआ है, आटा पीसने की चक्की मिलती है और मनके बनाने का कारखाना मिलता है। तो ये हमारा लोथल हो गया। इसके पश्चिमी टीले में कुछ विशेष नहीं है, एक बड़ी इमारत है जिसे प्रशासनिक भवन कहा गया है, प्रशासनिक भवन। इतना ही है, ये हमारा लोथल यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप ऐसे नोट्स में अगर कॉपी में खुद ऐसा बना के लिखना चाहें या वन लाइनर लिखना चाहें वो आपके ऊपर है, पर इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये लोथल खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले नगर पे, चन्हुदड़ो पे। चलिए चन्हुदड़ो को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी स्थिति, स्थिति देख लेते हैं चन्हुदड़ो की। चन्हुदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, सिंध प्रांत में है और ये भी सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। इसकी खोज देख लेते हैं, उत्खनन या खोज, तो 1931 में मजूमदार और 1935 में मैके, मजूमदार महोदय और मैके ने 1935 में इसका अलग अलग उत्खनन किया है चन्हुदड़ो का।
इसके बारे में एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। ये जो चन्हुधड़ो जो स्थान है, ये पूर्ववर्ती हड़प्पा, समकालीन हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, मतलब हड़प्पा संस्कृति का जब विकास हो गया है उससे पहले से भी था, और हड़प्पा जब अपने चरम पे रही है, जब विकसित अवस्था में रही है, तब भी चन्हुधड़ो साथ में रहा है, और हड़प्पा खत्म होने के बाद भी, मतलब परवर्ती हड़प्पा काल में भी चन्हुधड़ो रहा है। तो इसकी विशेषता है कि ये पूर्वकालिक समकालिक और परवर्ती तीनों अवस्थाओं में रहा है, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है चन्हुधड़ो स्थान की। इसके अलावा देखें तो देखिए पूर्वकालिक और समकालिक तो ठीक है, जब परवर्ती, जब हड़प्पा खत्म हो गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, उसके बाद में जो परवर्ती काल आता है हड़प्पा के बाद में, उसी जगह पे एक नई संस्कृति विकसित हुई जहाँ चन्हुधड़ो था, जिसे कहते हैं झूकर झांगर, झूकर झांगर संस्कृति। जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, चन्हुधड़ो जब नष्ट हो गया, तब वहाँ नई संस्कृति जन्मती है जिसे झूकर झांगर संस्कृति कहते हैं, जो कि एक ग्रामीण संस्कृति है, और ये हमारे ताम्रपाषाण जो काल चल रहा है उसके पैरेलल चल रही है, उसके समांतर चल रही है ना। तो ये इसके कुछ फैक्ट हो गए। अब नगर की तरफ चलते हैं। चलिए तो अब नगर देखते हैं, नगर में चलते हैं, टीले बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पश्चिमी टीला, ये हो गया हमारा पूर्वी टीला। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या था, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था, लोथल में हमने देखा दोनों टीले दुर्गीकृत हैं, चन्हुधड़ो में कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रखना है आपको दिमाग में, आगे एक दो फैक्ट और ऐसे आएंगे कंफ्यूज करने वाले। तो चन्हुधड़ो में पहली विशेषता ये हो गई कि इस नगर में एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं पूर्वी टीले से स्टार्ट करते हैं। तो चन्हुधड़ो में हमें मनके बनाने का कारखाना मिलता है, मनके बनाने का कारखाना मिलता है हमें चन्हुधड़ो में, लोथल में भी मिला था। ठीक है, तो प्रश्न में दोनों एक साथ भी दे सकता है, लोथल व चन्हुधड़ो करके, तो आपको समझना है वहाँ पर मनके बनाने का कारखाना मिलता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे इत्र, लिपस्टिक, कंघा, उस्त्रा। ठीक है, तो मतलब यहाँ के लोग बड़े सौंदर्य प्रेमी हुआ करते होंगे, जो सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, इत्र, कंघा वगैरह का यूज़ करते थे। तो अगर प्रश्न बनता है कि सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चन्हुधड़ो से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक ईंट मिलती है, चन्हुधड़ो में एक ईंट मिलती है, जिसमें उस ईंट में पैरों के निशान है कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान है, हमें कहाँ से मिलते हैं, चन्हुधड़ो से। उस समय जब ये ईंट रखी गई होगी या जो भी संरचना बनाई गई होगी, हो सकता है ईंट गीली रही हो, तो उस गीली ईंट से कोई बिल्ली भागी हो, उसके पीछे कुत्ता भागा हो, तो वो निशान छप गया, 3-4 हज़ार साल बाद हमको देखने को मिलता है। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, ये कहाँ से मिलते हैं, चन्हुधड़ो से। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं तो मिट्टी की पकी हुई नाली, मिट्टी की पकी हुई नाली, इससे पहले हम जब आगे हम नगर नियोजन देखेंगे तब देखेंगे सारी नालियां वगैरह, लेकिन मिट्टी की पकी हुई नाली हमें कहाँ देखने को मिलती है, नाली नुमा संरचना जिसमें घर का ड्रेनेज बाहर निकाला गया है, तो वो हमें देखने को मिलती है चन्हुधड़ो से। मिट्टी की पकी हुई नाली देखने को मिलती है चन्हुधड़ो से। यहीं चन्हुधड़ो से हमें वक्राकार ईंट देखने को मिलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वक्राकार ईंट। देखिए आयताकार या वर्गाकार सब जगह मिल रही हैं, यहाँ पर भी मिली हैं चन्हुधड़ो में, लेकिन वक्राकार ईंट एकमात्र स्थान है जो चन्हुधड़ो से मिलती हैं, वक्राकार ईंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एकमात्र स्थान है ये, तो ये हमें कहाँ से मिलती हैं, चन्हुधड़ो से मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा आखिरी फैक्ट देख लेते हैं, एक मोहर मिलती है चन्हुधड़ो से, जिस मोहर में 3 घड़ियाल
एक तरफ तीन घड़ियाल और दूसरी तरफ दो मछलियां बनी हुई हैं। ये आपका चनूदड़ो खत्म हो गया। इतने ही प्रश्न हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, पूछेगा इसमें पूछेगा। स्थिति देख ली थी, कहाँ स्थित है सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे, और पर्वती हड़प्पा, समकालीन हड़प्पा और पूर्ववर्ती हड़प्पा तीनों समय पे रहा है। पर्वती समय पे इसका नाम झुकर झाकर संस्कृति था, ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, इसके बाद हम नगर में आते हैं तो नगर में देखते हैं कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं मिला है यहाँ से। और हमें इसके पूर्वी टीले में क्या क्या मिला है, वक्राकार ईंटें मिली हैं एकमात्र इस पूरी सैंधवकालीन सभ्यता में। इसके बाद देखते हैं मन के बनाने का कारखाना, यहाँ के लोग सौंदर्य प्रेमी थे इसलिए सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे लिपस्टिक, कंघा, इत्र, उस्तरा आदि। इसके बाद देखते हैं तो पटी हुई सॉरी पकी हुई मिट्टी की नालियां मिलती हैं हमें चन्हुदड़ों से। फिर देखते हैं तो एक मोहर मिली है जिसमें तीन घड़ियाल हैं और अगली उसकी दूसरी तरफ में दो मछलियां हैं। एक ईंट मिलती है जिसमें एक भागती हुई बिल्ली का कुत्ता पीछा कर रहा है, उनके पैरों के निशान मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे चन्हुदड़ो खत्म। तो आज लोथल और चन्हुदड़ो खत्म हो गया। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कालीबंगन, धौलावीरा और बनवाली, तो वो हमारे 7 प्रमुख नगर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरे नगर हैं उनको हम जल्दी जल्दी एक वीडियो में पूरे कवर कर लेंगे, भारत के भी, पाकिस्तान के भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।